सज करके आना है, अपने विभाग की साड़ी पहन करके आओ, लहंगा पहन करके आओ, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा कि भैया हम भगवान की शादी में जा रहे हैं, अपने बढ़िया शरारे वरारे सब पहन करके आओ। आनंद भगवान के विवाह में आना है तो ऐसे ही आना है जैसे हम संसार से प्रेम करते हैं, तो भगवान को संसार से ऊपर होने चाहिए। जो उसकी माँ होती है सबसे महंगे कपड़े वही पहनती है, दूर फूट गए थे चलो कोई बात नहीं पुराने सूट से ही काम चल जाएगा, तो बहुत सी माताएं तो नई नई सिलवाती हैं कि महाराज ये शादियां बार बार थोड़ी नहीं होती, तो इसलिए आपको जितना करीबी रिश्ता है वो आपको कल मुझे पता चल जाएगा कि कौन लल्ला की बुआ बन करके आई है, कौन माँ बन करके आई है, कौन बहन बन करके आई है। और आपने भी भैया पैंट कोट पहन करके आने, सभी ने शेरवानियां पहन करके आनी है। प्रेम से जय श्री राम। तो हंसने का ये अवसर नहीं है, भगवान की खुशी में खुशी मनाओ, भगवान के उत्सव में उत्सव मनाओ, बढ़िया ढंग से भगवान का विवाह उत्सव मनाना है। कल बढ़िया बरात आएगी, बढ़िया हम बरात का स्वागत करेंगे, बढ़िया जहाँ पर रुक्मणी हरण की पहले कथा सुनाएंगे, बाद में भगवान की बरात की कथा होगी, बड़ा आनंद आएगा। और आप क्या लाना है वो करने की बाद में आपको बताएंगे। प्रेम की जय। तो हम क्या करते हैं, उत्सव तो भगवान का मनाते हैं लेकिन तैयार होकर के पता नहीं हम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भैया लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर हो। जो आपसे चाहती ना सहेली के मेरे से पूछे कि सूट कहाँ से लिया, तो दूसरी भी वही चाहती है कि ये भी मेरे से पूछे। प्रेम की जय। सजते हैं समरते हैं, ऐसे ही वो गोपियां भगवान का जन्म उत्सव मना रही थी, भगवान का नक्षत्र उत्सव मना रही थी, भगवान की ओर किसी का ध्यान नहीं था, भगवान को पलड़े में सुला करके नीचे रख दिया, बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, ऊपर दुनियादारी को रख दिया, दुनियादारी का सम्मान पड़ा हुआ था, मटके इत्यादि ना जाने क्या क्या पड़ा हुआ था, भगवान ने कहा कि देखो ये दुनियादारी है, दुनियादारी ऊपर भगवान नीचे, नाच रहे हैं मेरे लिए, गा रहे हैं मेरे लिए, उत्सव मेरे नाम का मना रहे हैं, लेकिन दुनियादारी ऊपर है, मैं नीचे हूं। ना क्या चाहिए, भगवान ऊपर होने चाहिए नीचे, दुनियादारी नीचे होनी चाहिए, भगवान के लिए बढ़िया सजो, भगवान के लिए बढ़िया समरो, दुनियादारी के लिए कम भी समर जाओगे तो दुनिया आपको कोई उपहार देने वाली नहीं है, दुनिया को आप प्रसन्न कर ही नहीं सकते, पूरा जीवन गुजर जाता है लोगों का लेकिन दुनिया प्रसन्न नहीं होती। भगवान को गुस्सा आया कि भैया ये मेरा उत्सव मना रही है, मेरी ओर ध्यान ही नहीं है, भगवान ने रोना प्रारंभ किया, लेकिन शोर शराबा इतना था भगवान का रोना भी किसी को सुनाई नहीं दिया। इतनी देर में सकटासुर नाम का दैत्य आकर के बैलगाड़ी में बैठ गया, भगवान की बुद्धि और चकरा गई, अरे मेरा तो पहले ही मूड खराब है, तो दुष्ट फिर मुझे मारने के लिए आ गया, भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने एक ठोकर मारी, उस दुष्ट का गोविंद राय नाम हो गया, सामने बैलगाड़ी को दो चार पटक लगी, सारी की सारी मटकियां धड़ाम से टूट गई, बहुत शोर हुआ, सारी गोपियों ने नाच गाना बंद किया, भगवान की ओर भागी, भगवान बैलगाड़ी के नीचे ऊपर मटकियां टूटी बूढ़ी पड़ी हुई, भगवान को बड़ा क्रोध था, मां ने पकड़ा भगवान को, निर्देश से लगाया, फिर भगवान को मां ने देखा, भगवान को हंसी आ गई कि अब मां को चिंता हो रही है, भगवान जब मुस्कुराए तो मां फिर प्रसन्न हो गई। प्रेम से वत्सल भगवान। आगे चल करके तृणाव्रत नाम का एक दैत्य आया जो बमरोले का रूप धारण करके आया, कभी कभी आता ना बमरोला हमारे पंजाब में, उसे जो गोल गोल घूमता है, तो तृणाव्रत वायु का रूप धारण करके आया, सारे ब्रज की मिट्टी को उठा करके आसमान में फेंक दिया, ब्रज में अंधकार छा गया, ऐसा हो गया जैसे अंधेरा हो गया, सूर्य नारायण भी छिप गए, इतनी धूल मिट्टी ऊपर, और घूमता 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 भगवान को पलने समेत उठा करके आकाश में चला गया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, लगता है कि कंस मामा ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है झूमने के लिए, ये झूला भेजा है उन्हें बटोला, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान ने कहा कि दुष्ट इसका भी तो मैंने उद्धार करना है, भगवान ने क्या किया अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया, भगवान भारी होने लगे, अपना भार बढ़ाया भगवान ने, और भार बढ़ाया और भार बढ़ाया, जब भगवान बहुत भारी हो गए ने कहा कि दुष्ट मेरे भक्त जो है वो पत्थर में भी मुझे देखते हैं, और तुम दुष्ट मुझ में पत्थर देख रहा है, और तुम्हारी खोपड़ी को पत्थर से खोलकर ही मैं सांस लूंगा, भगवान ने खोपड़ी को पत्थर से फोड़ा और तृणाव्रत गोविंद आए।
इन्होंने अपना नाम रख दिया, लेकिन मेरा दिल एक कलुआ रहेगा और तुम्हारे वाला बलुआ रहेगा। जय श्री राम। भगवान कहते हैं अपने घर में माखन चुराओ। कहा कि लल्ला चुराना बुरी बात है, चोरी बुरा होता है। भगवान कहते खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती। तो कहा कि अपने अपने घर में पहले चोरी करो। तो सभी ने अपने अपने घर में चोरी की। कोई सफल भए, कोई विफल भए। जो सफल भए उन्होंने तो भगवान के स्वर में स्वर मिलाया किल्ला जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विफल भए उन्होंने कहा कि भैया मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा, आग से माखन नहीं चुराएंगे। भैया ने मार मार के पीठ लाल कर दी, पीठ दुख रही है। भगवान कहते दारी के तुम्हें चोरी करना भी नहीं आता, मैं सिखाता हूँ चोरी कैसे की जाती। भगवान चोरों के सरदार बन गए। बाल गोपाल माखन चोर मंडली अध्यक्ष बाल कृष्ण बारे लल्ला बन गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, माखन चोरी भगवान की। भगवान ने गोपियों का चित्र रूपी माखन भी चुराया। गोपियां भगवान को कहती हैं, मेरे जोगिया मैं तो तेरी जोगिन हो गई। गोपियों का माखन चुराया भगवान ने, लेकिन कभी कभी दो चार दिन का भगवान गैप भी डाल देते हैं। ये नियम थोड़ी नहीं है कि रोज माखन चुराना है चुराना है। प्रेम से कह जाए जब दो चार दिन भगवान आते नहीं है ना, तो गोपियों को चिंता हो जाती है भगवान आए कि नहीं। एक दूसरे से पूछती हैं कि तुम्हारे घर में आए थे, तो कहा कि नहीं। तुम्हारे घर में आए थे, कहा कि नहीं। अरे वो ठीक भी है, उसका हाल चाल पूछा जाए, तो कहा कि क्या बहाना लेकर के जाएंगी, यशोदा ने तो उससे भी नहीं मनाया, कितनी देर हो गई। तो कहा कि ऐसा करती है, सभी उसकी शिकायत लगाने के बहाने चलते हैं। सबसे पहले जाएंगी यशोदा को बुलाएंगी और फिर कहेंगी पहले उस चोर को बुला, वो सामने आएगा, फिर सभी अपनी अपनी शिकायत लगाना। अभी रख लो क्या क्या शिकायत लगानी, जितनी ज्यादा शिकायत लगाएंगी उतनी ही ज्यादा उसका दीदार पाएंगे, उसका दर्शन पाएंगे। और गोपियां गई जाके इसे किस किस कंपनी ने रिलीज किया, उस भजन को भी आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना। और जिस चैनल के द्वारा ये कथा प्रसारित हो रही है उस चैनल का नाम है मीरा की भक्ति। क्या नाम है? मीरा की भक्ति चैनल को आप सबने सब्सक्राइब करना है। और ये कथा भी लाइव चल रही है, हमारी आगामी कथाएं जो भी कार्यक्रम भगवान की कृपा से हम करते हैं वो सारे के सारे मीरा की भक्ति चैनल से प्रसारित किए जाते हैं। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब करना है, इसका लिंक अपने रिश्तेदारों तक भेजना है। देखो कि हमें कैसे भगवान आनंद दे रहे की तोड़ी।
Thank you.
पिछले वाले हाथ उठाओ जरा। भैया जी जो मौका मिला है ना दीप नगर वालों, हमारे डॉक्टर साहब ने आप सभी को एक मौका दिया है, हाथ लगा दे। इस मौके में भगवान की कथा भी है और इस मौके में भगवान का लंगर भी है, भंडारा भी है। कोई मौका होर मिलया, एक मौका होर मिलया, ओ पापी के गवाना देवी, एक मौका होर मिलया। लक्ष्मी ने वृंदावन दी, लक्ष्मी ने वृंदावन दी, ओ पेड़े मथुरा ते जाके खाए, लक्ष्मी ने वृंदावन दी। लुक लुक नाम जप लै, 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 ओ ताईओ मुकणा चासी वाला गेड़ा, लुक लुक नाम जप लै, लुक लुक नाम जप लै, लुक लुक नाम जप लै, ओ ताईओ मुकणा चासी वाला गेड़ा, लुक लुक नाम जप लै। जैसे मेरे वृंदावन की वृंदावन थी, वो पेड़े पूरा दे जाके खाइए, मेरी वृंदावन थी। चंगा होया मेरी सहेली, सहेली।
ऐसे पूछा कि क्या तुमने माटी खाई है? भगवान के मुख से निकल गया, भैया मैंने माटी नहीं खाई। भैया ने कहा कि तुम्हारे मुंह क्यों बंद है? तो जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो मेरे कन्हैया ने मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया है। प्रेम जी की जय। भैया ने देखा कि लल्ला के मुख में नदियां, तो मैया ने ओखल से मांगा। यशोदानंद गे कर्मांतरनियुक्त सो निर्बंधनम स्वयं भरी। ये बड़ी सुंदर लीला है, हमारी माताओं को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। दादी है दाशी सु यशोदा नंद गेहिनी, 9 लाख गाय थे जिसके यहाँ नंद बाबा के यहाँ, जिस नंद बाबा की गौशाला इतनी बड़ी है, तो आप खुद अनुमान लगा लो कि नंद बाबा के यहाँ काम करने वाले नौकर कितने होंगे, दास दासियां कितने होंगे इतने बड़े महल में। प्रेम जी जय श्री राम। लेकिन माँ अपने लल्ला की सेवा स्वयं करती है, ये शिक्षा है हमारे, हमें भागवत दे रही है कि अपने बच्चों का पालन अपने हाथों से करना चाहिए। एक दाते हैं दाशिशु यशोदा नंद गेहिनी। एक बार यशोदा मैया ने सारी दास दासियों को बाहर के काम में नियुक्त कर दिया। कर मंत्र नियुक्त आसु निर्मंथनम स्वयं नदी, स्वयं नदी को मतने लगी। किसके लिए? अपने लल्ला के लिए। ऐसा लगता है जैसे संसार में शादी है।
तो सारे ब्रजवासी यमुना जल भर भर करके ला रहे हैं, सुबह से शाम हो गए। गिरिराज महाराज का ना तक गीला नहीं हुआ। प्रेम सिंह जय श्री नख तक गीला नहीं हुआ। सभी ने अपनी अपनी डागरे कट दी कि कन्हैया अगर नहीं पूजा करवानी तो सीधी सीधी बात बोल, ऐसे हमें उन्हें सुना का परेशान कर रखा है। तुम्हारे गोवर्धन पर्वत का नख तक गीला नहीं हुआ, इतने बड़े साथ दोस्त के गिरिराज को कैसे स्नान करवाएंगे। मेरे कन्हैया ने आंखें बंद करवाई सबकी, हाथ जोड़े और गंगा मैया का आह्वान किया। बोले गंगा मैया की, वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। उन्हें मानसी गंगा की, तो मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई और उसी से गिरिराज महाराज का स्नान करवाया गया। और तदुपरांत कहा कि सभी आंखें बंद करो, मेरे गिरिराज महाराज का ध्यान करो, और पहले इनकी सात कोस की परिक्रमा करो। सारे ब्रजवासी सात कोस की परिक्रमा करें, आइए हम भी सात कोस की परिक्रमा करेंगे। मकर भैया अभी आगे आ जाओ, और जहां वो स्वामी जी पूजन करवाएंगे और हम सभी आंखें बंद करके गिरिराज महाराज का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के उपरांत सभी परिक्रमा लगा करके श्री गिरिराज महाराज के पूजन का उत्सव मनाएंगे। इंद्र कल आएगा और कल की लीला जो है वो कल शब्द करेंगे। सहस्र श्री पाद पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पाद सभूमि